दो दिन विंध्य के दौरे पर पंजाब के सीएम रीवा शहर में आज शाम को रोड शो, कल सिरमौर, मऊगंज और देव तालाब में सभा रीवा 4 घंटे पहले। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की खास खबर से। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 का कार्यक्रम जारी होते ही आपका बघेलखंड में तेजी से प्रचार शुरू हो गया है। यहां आम आदमी पार्टी दिल्ली व पंजाब के बाद विंध्य के रास्ते मध्य प्रदेश में दस्तक देने के लिए एड़ी चोटी का दाव लगा रही है। ऐसे में पंजाब के सीएम भगवंत मान 3 महीने के भीतर तीसरा दौरा करने वाले हैं। वे 20 अगस्त को सतना शहर की प्रबुद्ध जन संवाद और 18 सितम्बर को रीवा के SAF मैदान में महारैली कर चुके हैं। अब 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को एक बार फिर विंध्य के दौरे पर आ रहे हैं। वे मंगलवार की शाम को रीवा शहर में रोड शो करेंगे। वहीं बुधवार को सिरमौर, मऊगंज व देव तालाब में चुनावी सभा करने वाले हैं। आपके जिला मीडिया प्रभारी वेद प्रकाश ने बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 2 दिन रीवा के दौरे में रहेंगे। वे 10 अक्टूबर को सीधी के चुरहट व रामपुर नैकिन में सभा कर रीवा आएंगे। यहां शाम 5 बजे रीवा अप्रत्याशी दीपक सिंह के लिए शहर में रोड शो कर रात्रि विश्राम करेंगे। 11 अक्टूबर की दोपहर सिरमौर विधानसभा की अप्रत्याशी सरिता पांडे के लिए अतरेला में सभा करेंगे। इसके बाद नवागढ़ जिला मऊगंज से अप्रत्याशी उमेश त्रिपाठी के लिए विभिन्न जगहों में सभा कर वोट मांगेंगे। फिर देवतालाब विधानसभा से अप्रत्याशी दिलीप सिंह गुड्डू के पक्ष में प्रचार प्रसार कर आपका विंध्य में माहौल बनाएंगे। कहा जा रहा है कि रीवा में एयरपोर्ट में चल रहे काम के चलते सतना या फिर प्रयागराज व बनारस से हवाई मार्ग पकड़कर पंजाब से चंडीगढ़ चले आएंगे। पंजाब सीएम भगवंत मान के विंध्य में दौरे 20 अगस्त को सतना में प्रबुद्ध जन संवाद। आपके संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सीएम भगवंत मान के साथ 10 गारंटी दी। 28 सितंबर को रीवा के SAF मैदान में महारैली। महारैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सीएम भगवंत मान के साथ 10 गारंटी दी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।